प्रभात बच्चों एवं अभिभावकगण, कक्षा 3 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं पाठ्य पुस्तक अनमोल रत्न से पाठ 3 के व्याकरण भाग के प्रश्न संख्या 4, 5 और 7 संज्ञा विपरीत अर्थ एवं संयुक्ताक्षर शब्द पढ़ाऊंगी। बच्चों, इसके पहले वाले पाठ में मैंने संज्ञा को पढ़ाया है, एक बार और मैं संज्ञा के बारे में फिर से बता रही हूँ। संज्ञा क्या है बच्चों? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, ताला, विद्यालय, प्रसन्नता आदि। अब हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न 4 को देखेंगे। ध्यान देंगे बच्चों श्वेत पत्र पर। पाठ में आए संज्ञा शब्द चुनकर लिखें। नदी, लाल बहादुर शास्त्री, बालक, सच्चाई, मुगल सराय, सादगी। एक बार और बच्चों, नदी, लाल बहादुर शास्त्री, बालक, सच्चाई, मुगल सराय, सादगी, ये सारे शब्द आपके पाठ में दिए गए हैं। समझ में आया बच्चों? अब हम लोग विपरीत अर्थ वाले शब्द पढ़ेंगे। विपरीत अर्थ वाले शब्द को ही विलोम शब्द या उल्टा शब्द कहते हैं। जब किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ दिया जाता है तो उस शब्द को विलोम शब्द कहते हैं, अर्थात एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम या विपरीत शब्द कहते हैं। जैसे उल्टा सीधा, ऊपर नीचे। अब इसे हम लोग चित्र द्वारा समझेंगे। ध्यान देंगे बच्चों, एक पेड़ पर एक बंदर यहाँ उल्टा लटका है और दूसरा बंदर सीधा लटका है, तो उल्टा का विलोम क्या होगा? सीधा। दूसरे चित्र में एक बिल्ली टेबल के ऊपर बैठी है और दूसरी बिल्ली टेबल के नीचे बैठी है, तो ऊपर का विलोम क्या होगा बच्चों? नीचे होगा। अब ध्यान देंगे, सफेद काला, सफेद का विलोम क्या होगा? काला। अब मैं श्वेत पट पर विपरीत अर्थ की परिभाषा लिखकर बताऊंगी। विपरीत अर्थ वाले शब्द को विपरीत या उल्टा अर्थ वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे ऊपर नीचे, उल्टा सीधा, आप ध्यान देंगे बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में प्रश्न संख्या 5 में विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखें दिया हुआ है। स्वतंत्र, स्वतंत्र का क्या होगा बच्चों? परतंत्र। बहादुर, बहादुर का क्या होगा बच्चों? डरपोक। धनी, निर्धन। देश, विदेश।
बच्चों, स्वतंत्र परतंत्र, बहादुर डरपोक, धनी निर्धन, देश विदेश, प्रेम घृणा, जीवन मरण, प्रशंसा निंदा। समझ गए बच्चों? अब आपके पाठ्य पुस्तक में संयुक्ताक्षर शब्द दिया गया है। सबसे पहले जानेंगे बच्चों कि संयुक्ताक्षर शब्द क्या है। ध्यान देंगे बच्चों, दो व्यंजन अक्षरों के मिलने से, फिर से, दो व्यंजन अक्षरों के मिलने से संयुक्त अक्षर बनते हैं। पहला व्यंजन अक्षर अ रहित अर्थात स्वर के बिना होता है तथा दूसरा व्यंजन स्वर के साथ होता है, जैसे चम्मच, पुस्तक, पत्ता, पत्थर इत्यादि। यहां ध्यान देंगे बच्चों, ये क्या है? पत्ता है। क्या है बच्चों? पत्ता। इसमें तत्व संयुक्त है। ये पुस्तक है। क्या है? पुस्तक। सतत संयुक्त है इसमें। ये क्या है बच्चों? ये पत्थर है। पत्थर में तथा संयुक्त है। अब हम लोग श्वेत पट पर देखेंगे। दो व्यंजन अक्षरों के मिलने से संयुक्त अक्षर बनते हैं। जैसे चम्मच, पत्ता, पत्थर, पुस्तक इत्यादि। अब हम लोग ध्यान देंगे में प्रश्न संख्या 7, इन संयुक्ताक्षरों से दो दो शब्द बनाए दिया हुआ है। यहाँ है दंत स व संयुक्त। क्या होगा बच्चों? दंत स व संयुक्त से स्वतंत्र, स्वयं, व या संयुक्त व्यवहार, व्यय, पर संयुक्त प्रश्न, प्रहार, ल पर संयुक्त अल्प, कल्पना, म संयुक्त चम्मच, अम्मा, षठ संयुक्त निष्ठा, प्रतिष्ठा। एक बार और बच्चों, दंत स व संयुक्त से स्वतंत्र स्वयं, व या संयुक्त से व्यवहार व्यय, पर संयुक्त से प्रश्न प्रहार, ल पर संयुक्त से अल्प कल्पना, म संयुक्त से चम्मच अम्मा, षठ संयुक्त से निष्ठा प्रतिष्ठा। समझ में आया बच्चों? आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक से संज्ञा, विपरीत अर्थ वाले शब्द तथा संयुक्ताक्षर शब्द बार बार पढ़ते हुए याद करेंगे। पाठ से संबंधित सारे कार्यों को आपके विद्यालय के वेबसाइट पर
डाल दिया जाएगा। कृपया अभिभावक बच्चों की मदद करें। धन्यवाद।